हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इस बार सपना चौधरी और उसके भाई करण के साथ उनकी मां नीलम पर भी दहेज मांगने और मारपीट करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा भाई पर अप्राकृतिक यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पलवल की रहने वाली सपना चौधरी की भाभी ने महिला थाने में शिकायत में कहा कि वर्ष 2018 में उसकी शादी नजफगढ़ दिल्ली के रहने वाले सपना चौधरी के भाई करण के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ ही कई बार मारपीट की गई है, लेकिन जब उसे बेटी हुई तो उसके ससुराल वालों ने बेटी के छुच्छक में करेटा गाड़ी की मांग की, लेकिन उनके पिता ने 3 लाख नकद और सोना चांदी कपड़े दिए, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और वह उसे करेटा गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करते रहे। साल 2020 में 26 मई को उसके पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। करीब 6 महीने पहले वह अपने पिता के साथ पलवल अपने घर में आ गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने महिला थाना पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस के द्वारा इसमें पीड़ित के पति करण, ननद सपना चौधरी और माता नीलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। डीएसपी सतेंद्र पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। आरोप तय होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से। हमने उस पर सीएडब्ल्यू सेल में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। फिर हमने उस पर FIR दर्ज करी सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के FIR दर्ज किए सर। क्या डिमांड करी थी जो गाड़ी की बता रहे हैं सर? इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की। तो दहेज सपना चौधरी मांगा है, उसकी बहन ने मांगा, क्या आरोप लगाया उसके भाई ने? ये सर कॉमन है सभी का। तो इसमें क्या अभी कोई आरोप की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ शामिल तफ्तीश हुआ है अभी तक? अभी सर इसमें तस्दीक होगी DSP साहब की, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सर वो हम आगे FIR में करेंगे। और क्या आरोप है, जैसे कि किस तरह से दहेज मांगते थे, कब शादी हुई थी? इनकी शादी हुई है सर 2018 में सर, और बस यही है, शारीरिक पड़ताड़ना, दहेज मांगना सर, मेहंदी तो यही है सर। कोई छूचक हुआ था क्या, कौन सी गाड़ी मांगी है? हाँ सर, उसमें बेटी हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था क्रेटा गाड़ी मांगी थी सर, ये एलिगेशन है सर। अब क्या कार्रवाई चल रही है सर? इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, तस्दीक जो भी कार्रवाई होगी सर वो की जाएगी।